बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि नाइट फॉल कैसे रोके, रात में सपने में भी निकलता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, अच्छा लगता नहीं है। तो इसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नाइट फॉल नाम की बहुत बड़ी बीमारी लोगों ने तैयार की है। नाइट फॉल मतलब वीर्य जाता है, नाइट फॉल वीर्य गया तो हमको अपने को कमजोरी आती है, नाइट फॉल में वीर्य जाने के बाद में अपना वजन कम हो जाएगा, लोगों को वीर्य जाने से बार बार भी जाने से नाइट फॉल होने से उनको लगता है कि भाई अपन काम में से जा रहे हैं, अपना लिंग सिकुड़ रहा है या अपन आदमी में से निकल जा रहे हैं, ऐसे काफ़ी सारी गलत फहमियाँ लोगों में हैं। नाइट फॉल मतलब नॉक्चर्नल एमिशंस, इसका ही मतलब सपने में वीर्य जाना। और वैसा देखा जाता है नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं सपने में वीर्य जाना, मगर तभी लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा बहुत ज़्यादा जा रहा है और उसके वजह से वो बहुत परेशान है, इतने डिप्रेस्ड है कि लोग बोलते नहीं मेरा वो बंद करो कैसा भी करके। तो फिर उसके लिए क्या नुस्खे हैं मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई ठीक है कोशिश करो। मैं आपको बताने वाला हूँ 11 बातें, मैं आपको बताने वाला हूँ 11 टिप्स। तो ये आप देते हैं खुद उसका इस्तेमाल करते तो हो सकता है कि आपके नाइट फॉल में फ़ायदा हो जाएगा। नंबर एक, रात के खाने में मसालेदार पदार्थ आपने रोक देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। मसालेदार या तर्री वाले पदार्थ जो है वो रात के खाने में बंद करना है। नंबर दो, आपको बहुत ही फिक्र लग रही है नाइट फॉल की तो हस्तमैथुन करके मतलब हैंड प्रैक्टिस करके या मुट्ठी मार के बाद में सोने का है तो डेफिनेटली नाइट फॉल होने के चांसेस एकदम ही जीरो हो जाएंगे। नंबर तीन, रात में सोने के पहले मतलब खाना खाने के बाद में आप चलने जा सकते हैं, आप 20 से 30 मिनट का वॉक कर सकते हैं, आपको काफ़ी थकान आ जाएगी, आप अच्छे सो जाएंगे और गहरी नींद आएंगे और आपको नाइट फॉल होने के चांसेस कम होते हैं। नंबर चार, ऐसा लाइट म्यूज़िक सुनना, संगीत सुनना सोने के पहले, और लाइट म्यूज़िक सुनते हैं बहुत ही मतलब बहुत खुशी वाले भी नहीं, बहुत दुखी वाले भी नहीं, मतलब ऐसे कोई गाने, और वो सुनते हैं लाइट एकदम जिससे आपको अच्छा रिलैक्स लगता है, तो वो सुनने का है सोने के पहले, उससे फ़ायदा होता है। नंबर पाँच, सोने के कम से कम 4 घंटे पहले चाय कॉफ़ी नहीं लेने का है। चाय कॉफ़ी लेते तो उससे नुकसान होता है, नींद बराबर नहीं आती है और कभी कभी कॉफ़ी से या चाय से स्टिमुलेशन होता है और फिर उससे नाइट फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर छः बहुत इम्पॉर्टेंट है, अनार का जूस, पोमग्रेनेट जूस। अनार का जूस यदि आप लेते हैं तो आधा ग्लास अनार का जूस निकालना, उसमें आधा चम्मच शहद मिलाना और रोज़ रात को सोने के पहले लेना, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। नंबर सात, लहसुन फ्राई, लहसुन की जो कलियां रहती है वो कलियां निकालना, उसको तवे के ऊपर तेल डाल के उसको फ्राई करना, थोड़ा सा नमक छिड़कना उसके ऊपर और उसके छिलके निकाल के फिर खाना। 4 से 5 कलियां आप खाते हैं लहसुन की तो उसे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, आपकी टेस्ट भी अच्छी हो जाएगी। मगर सेक्स करने के पहले नहीं खाने का है क्योंकि फिर लहसुन का मुँह को बास आएगा तो औरत आपकी चिल्लाएगी। नंबर आठ, दही, दही खाते हैं तो कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि दही से फ़ायदा होता है, तो दही छोटी कटोरी दही लेना है, बिना शक्कर की, बिना नमक का दही, सिर्फ दही लेने का है। नंबर आठ दही। नंबर नौ, आंवला, यदि आप एक आंवला खाली पेट सुबह खाते हैं तो उसका फ़ायदा आपको रात को सोने में मिल जाएगा, तो आंवला खाना है एक रात को सोने के पहले, और आंवला का अचार आपको मिल सकता है वो आप खा सकते हैं फिर खाने में, ठीक है ना, तो आंवला खाने से फ़ायदा होता है। नंबर 10, बादाम, 2 या 3 बादाम आप खाली पेट सुबह लेते हैं, रात में भिगा के रखना है और सुबह खाली पेट 2 या 3 बादाम आप लेते हैं तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। नंबर 11, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको हो रहा है तो अल्प्रेजोलाम नाम की जो दवाई है या क्लोनेजीपाम नाम की जो दवाई है वो आप रात को सोने के पहले दो में से कोई भी ले सकते हैं। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अल्प्रेजोलाम 0.25 मिलीग्राम, क्लोनेजीपाम 0.25 मिलीग्राम ये दवाई आप रात को सोने के पहले ले सकते हैं, जिससे आपको अच्छी नींद आ जाएंगी, सपने गिरेंगे नहीं और नाइट फॉल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये सब करने के बाद में भी यदि आपका नाइट फॉल नहीं रुकता है तो कोई चिंता करने का नहीं है, नॉर्मल है नाइट फॉल, बहुत फिक्र करके डिप्रेस होने का नहीं है, नाइट फॉल रोकने का नहीं है, आता है तो आने दो, सिर्फ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और आप डिस्टर्ब हो रहे हैं उसके वजह से
टेंशन में आ रहे हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो डेफिनेटली मैंने जो 11 बातें बताई है वो उसका इस्तेमाल आप कर दें तो फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वो लोगों को शेयर करो जिनको भी, जिनके भी शादी होने की है, वो डिस्टर्ब है नाइटफॉल से, उनको फ़ायदा हो जाएगा और वो अच्छे से एक तो पढ़ाई कर सकेंगे, काम कर सकेंगे, उनका वैवाहिक जीवन भी बाद में अच्छा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका ख्याल रखो, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।